मलयालम चैनल के हवाले से यह खबर है। आपको बता दें कि परसों रात 2:30 बजे के करीब तीन खिलाड़ियों को मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली लाई हुई है और आज इन तीनों ही खिलाड़ियों से बातचीत की जाएगी। इन सबके बीच बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यह है, एक मलयालम टीवी के हवाले से खबर यह है कि श्रीशांत ने गिरफ्तार होने के बाद कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। मनोज वर्मा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोधी रोड के स्पेशल सेल ऑफिस के बाहर से। मनोज, यहां पर मलयालम टीवी चैनल के हवाले से जो जानकारी आई है, यानी कि कहीं ना कहीं श्रीशांत ने अपनी गलती मान ली है और ये कहा है कि हाँ, मुझसे एक बड़ी गलती हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कल जब श्रीशांत को और जो दो बाकी प्लेयर्स थे उसके अलावा जो सभी बुकीज को कोर्ट के अंदर पेश किया गया था, वहां पर एक मलयालम चैनल भी मौजूद था और उस मलयालम चैनल ने श्रीशांत से जब बात करनी चाही तो श्रीशांत ने उस मलयालम चैनल को कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और पछतावा भी है। तो कल ये कोर्ट में जब श्रीशांत को पेश किया जा रहा था तब उसने ये बात कही थी। इसके अलावा जो हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि जो प्लेयर्स हैं वो पूछताछ में सहयोग जरूर कर रहे हैं लेकिन उनको पछतावा भी है, वो शर्म की वजह से बातचीत बहुत कम कर रहे हैं। अधिकारियों ने हमें ऐसा बताया है कि प्लेयर्स पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं लेकिन उन्हें शर्म बहुत ज्यादा आ रही है। जी, पहले